हेलो एवरीवन। सो गाइस, अभी अभी आप सबको पता चल ही गया है कि पेपर पोस्टपोन हो गया है, राइट? सो सबसे ज़्यादा अब हम ये हो गए हैं कि अब हम क्या करेंगे, है ना? सो 1 month है अप्रॉक्सीमेट, तो इस टाइम पर अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि अब हमारा पेशेंस लेवल बिल्कुल ख़त्म हो गया था। हमने अपनी तरफ से जितनी मेहनत करनी थी सब कुछ कर लिया था, आई नो वेरी वेल, बट स्टिल यू नो एक होता है हमारे अंदर कि काश हो जाता एग्ज़ाम तो एटलीस्ट हम आगे फर्दर और अपॉर्चुनिटीज़ की वेट करते, राइट? सो अब ठीक है जी, कोई बात नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं था, बट अब हम इस टाइम पर क्या करें, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? आप यूँ देखिए कि 1 month एक आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। इस 1 month में भी हम अपने आप को बेटर कर सकते हैं, राइट? जो हमें वीकनेस लग रही थी, जो सोच रहे थे कि काश ये और बेटर कर सकती हूँ, इसको और हम कर सकते हैं। सो अब ये सोचो, अच्छा है 1 month लेट हुआ है, तो इस बेस्ट टाइम को हम प्रॉपर वे में यूटिलाइज करो। ओके, अब क्या करो, 1 month है, एवरी डे हर एक दिन में ये सोचो कि मैंने उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करो। सब कुछ पीछे रख लो, फटाफट से कंसेप्ट को पढ़ पढ़ के ना दिन में डेली एक क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो 3 घंटे के लिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या करना है, एक एक यूनिट ले लो, उसको 2 या 3 डेज में जो भी आपको कंफर्टेबल है रिविजन शुरू कर दो। आपको कुछ नया मत करो, पिछले को ही अच्छे से रिवाइज करो, कंसेप्ट को और फर्निश करो, एंड एक पेपर डेली सॉल्व करो। बस 1 पेपर रिवीजन, पेपर 1 एंड पेपर 2, इनको कंटिन्यू रखो। थोड़ा सा आज चिल मार लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, कल थोड़ा सा रिलैक्स हो लो, बट हाँ इतना ज़्यादा रिलैक्स मत होना कि आप लेजीनेस में हो जाओ। आप ये सोचो कि कोई बात नहीं अभी और लेट है, कोई बात नहीं, नो, एक दिन का रेस्ट ले लो, 2 दिन का ले लो, नो वरी, बट 3rd डे से शुरू कर दो ये चीज़ें एप्लीकेबल करना। पेपर कभी भी हो, हम अपना इसको नहीं छोड़ेंगे, पकड़ा है तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। सो मेक श्योर इसको कर लो। कुछ स्टूडेंट्स के बीएड के एग्ज़ाम है, फोकस ऑन दैट, बट डेली एक पेपर सॉल्व कर लो, बाकी अपना बीएड की प्रिपरेशन करो। एंड जो सिर्फ प्रिपरेशन ही इसकी कर रहे थे, छोड़ो मत, भले सब कुछ आता है, रिविजन करो, क्वेश्चन को दोबारा दोबारा सॉल्व करो। देखो हर बार आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन से कुछ नया सीखने को मिलता है ना? सो डू दिस, कोई टेंशन नहीं लेनी है, पैनिक मत हो, टेंशन फ्री रहो। टेंशन लोगे तो काम खराब ही होना है, अच्छा समझो कि अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, कर लो अवेल, राइट? सो या डोंट वरी, गिव योर बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।